नमस्कार। एक बुजुर्ग महिला एक नौजवान महिला को क्या समझाती है, जानते हैं दोस्तों इस कहानी से। चीज है, इसे बनाए रखने में ही खैर है, नहीं दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज तुम इन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी या तुम्हारे घर परिवार में खुशियां छा जाएगी। तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो ये तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया, ले छोड़ दे, अब भी मेहनत करके खाती हूँ तब भी मेहनत कर लूँगी। पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े ही काम की हैं, ये हमें ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो इन्हें भी होती है, नहीं तो हफ्ते हफ्ते मर जाएंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा इनको। मैं तो कहती हूँ बेटी बेटी ही पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखो दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी भी चलेगी। दाब धौंस कुछ कम होगी, मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो न होती तो फिर मेरा क्या होता? मैं तो दुनिया में धंधा पीटती ही मर जाती। अब भी मेहनत करती है पर मन में खुशी भी है। मेरी तीन बेटियां खूब हुनर वाली है, कोयल जैसी आवाज़ है उनकी, सुने तो सारी थकान मिट जाती है। न करे कोई शादी, अपनी जिंदगी भाड़ में जाए, जो मेरी बेटियों से शादी करे सो भाग्यवान हो जाए। चलती हूँ, ये ठेकेदार आता ही दिखता है, आँखों से कम सूझने लगा है मुझे। ये जो सामने लिबर्टी सिनेमा है ना, इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनवाना चाहता है, यही मलबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये जो डॉक्टर की दुकान है, यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है, बस इसे देखकर मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखनी पड़ेगी, हत्यारों की। बस कहीं और काम मिल जाए तो ये जगह छोड़ दूंगी, देखूं तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो ये सब बातें लिख देती, फिर तो तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते, पढ़कर तुम भी कहते कि करतारी ताई देवी बात तो पते की कहती है। तो देखा दोस्तों, ये थी एक बूढ़ी दे ताई जिसका नाम था करतारी देवी, और अपनी तीन बेटियों को पाल कर पढ़ा कर एक योग्य बेटियां बनाई। तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी छोटी सी कहानी है, ये बेटियों को समर्पित है। आशा करती हूँ ये मोरल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कहानी वीडियो अच्छे लगे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।